हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अगर आप दुबई में हैं और अपने फैमिली को यहां बुलाना चाहते हैं, यानी कि रेसिडेंस वीज़ा, फैमिली के लिए रेसिडेंस वीज़ा आप खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ मतलब आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने फैमिली को यहाँ लाने के लिए। तो आज इस वीडियो में वही डिटेल में बात करूंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। प्लस फीस कितनी है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि कितना फीस है, क्योंकि रिसेंटली ही ये जो फीस है, बट जो फीस मैं बताऊंगी वो मे बी अपडेट हो सकता है, क्योंकि ये अपडेट होते रहता है, इसमें कोई भी यहाँ तो जनवरी से चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी नियम आ सकता है। तो अप्रॉक्स आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खर्चा होता है अगर आप अपने फैमिली को यहाँ बुलाना चाहते हैं, विजिट वीज़ा में नहीं, आप अपने फैमिली को रेसिडेंस वीज़ा में यहाँ बुलाना चाहते हैं, तो फिर आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, कहाँ जाके आप अपना उनका वीज़ा निकलवा सकते हैं आप खुद स्पॉन्सर करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी क्राइटेरिया है, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, या उसका इनकम क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है कि आप क्या हैं, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। जो मैटर मेन करता है वो है आपकी सैलरी। तो सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ कितनी सैलरी मिलती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए अगर आप आपकी जो इनकम है वो 4080 है, यानी दिरम्स में मैं बात करूंगी, यहाँ पे 4000 दिरम अगर आप यहाँ पे कमाते हैं विदाउट एकोमोडेशन, यानी कि कंपनी आपको एकोमोडेशन नहीं दी है, 4000 पूरा पूरी आपको देती है, तो फिर आप अपने फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। और अगर कंपनी आपको एकोमोडेशन देती है और 3000 दिरम सैलरी देती है तो भी आप बुला सकते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है, उसके बाद आप ये अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आप हस्बैंड वाइफ को स्पॉन्सर कर रहा है, या वाइफ हस्बैंड को स्पॉन्सर कर रही है, या वाइफ अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर रही है। ऐसे तीन केसेस हैं कि ये तीनों अपने जो स्पाउस है उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अगर हस्बैंड अपने वाइफ को स्पॉन्सर करता है तो उसकी सैलरी अगेन मैं जो बताई वो 4000 दिरम होनी चाहिए विदाउट एकोमोडेशन, और विद एकोमोडेशन 3000 दिरम होना चाहिए। उसके बाद अगर वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करती है तो उसकी सैलरी मिनिमम मैं बता रही हूँ, मिनिमम जो है वो 10000 दिरम होनी चाहिए। वहीं पे अगर वाइफ अपने बच्चों को स्पॉन्सर करती है तो उसकी सैलरी 4000 दिरम विदाउट एकोमोडेशन और 3000 दिरम विद एकोमोडेशन होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया जब आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आता है प्रोसेस, मतलब आपको कहाँ अप्लाई करना है। ये क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया तो आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी आपकी फैमिली रेसिडेंस वीज़ा में यहाँ आ सकती है। तो कुछ हाँ मैं बता दूँ, ह्यूमैनिटेरियन कुछ केसेस हैं उनके बात अलग है, ये नॉर्मल जो केसेस हैं उनमें ये सब प्रोसेस है। ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो सैलरी क्राइटेरिया है वो नहीं होता है, बाकी प्रोसेस अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेंगे, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अब ये मैं बताती हूँ। सबसे पहला हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए यूएई में टाइपिंग सेंटर्स होते हैं काफ़ी सारे, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होते हैं। तो ऐसे टाइपिंग सेंटर्स आपको पूरा हेल्प करती है शुरू से लेके लास्ट तक के। तो अगर आप किसी टाइपिंग सेंटर से हेल्प लेते हैं, मैं किसी टाइपिंग सेंटर का नाम नहीं लूंगी, बट यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग सेंटर्स होते हैं, तो आपको टाइपिंग सेंटर में जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन लेना है, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लोग पूरा आपको बता देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो जो डॉक्यूमेंट लगता है मैं आपको बता रही हूँ, वो है सैलरी सर्टिफिकेट। आपको अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि जहाँ पे जिस भी कंपनी में आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको अपनी सैलरी सर्टिफिकेट निकलवाना होगा। तो सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए अगर आप वाइफ को या हस्बैंड को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो अटेस्टेड होना चाहिए
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप यूएई में हैं तो भी उन लोगों देने से वो लोग पूरा अटेस्टेड करवा के आपको देते हैं, उसका चार्ज अलग होता है। उसके बाद बात आती है टिनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ का क्या कॉन्ट्रैक्ट है, सब चीज़ वो लोग देखते हैं। और ये जो अटेस्टेशन है ये फॉरेन अफेयर्स से नहीं होता, ये इजारी यानी कि यहाँ पे इजारी बोलते हैं, उनसे ये अटेस्टेड करवाना पड़ता है। जो आपका टिनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए या घर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फ्लैट होते हैं यहाँ पे मेन, फ्लैट्स के कॉन्ट्रैक्ट या विला के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर उनको देना पड़ता है। उसके बाद हो गया लेटेस्ट देवा बिल। देवा बिल यहाँ का दुबई का है, सेवा जैसे शारजा का है, देवा देवा बिल जो आपका आता है उसका एक कॉपी उनको देना पड़ता है। उसके बाद आ गया फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ वीज़ा पेज, आपके पासपोर्ट में जो वीज़ा पेज है आपका, यानी कि जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका ये सब लगेगा, और जो डिपेंडेंट है यानी कि जिसके लिए आप वीज़ा निकलवा रहे हैं उसका पासपोर्ट का कॉपी और उसके पासपोर्ट फोटोज आपको लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने चाहिए, अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड, और जो आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस आपका, ये सारी चीज़ें आप सबमिट कर दिए उनके पास, उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। 3-4 दिन में आपके पास मैसेज आएगा, आपके या उनके पास जिसका भी फ़ोन नंबर होगा उनके पास मैसेज आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला प्रोसेस है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट के यहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको मेडिकल एग्जामिनेशन आपका देना पड़ता है, उसमें ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, ये सब होता है। उसके बाद टाइपिंग सेंटर में आपको जाके वो टेस्ट रिपोर्ट देना पड़ता है, टेस्ट करवा के आ गए। दो तरह का रिपोर्ट आपको मिलता है, एक रश होता है, एक नॉर्मल होता है। रश में आपको तुरंत मिलता है, उसके लिए आपको अलग से पे करना होता है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप रश वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, अलग से पे करना होगा, नहीं तो 3-4 दिन में, 2 दिन में भी आ जाता है कभी कभी, मेरा जैसे 2 दिन में ही आ गया था, तो 2 दिन में भी आ जाता है आपका जो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट है वो आ जाएगा। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद वो आपको लेके जाना है फिर से उसी टाइपिंग सेंटर में। टाइपिंग सेंटर में जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपके एमिरेट्स आईडी के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अप्लाई कर देंगे आपके एमिरेट्स आईडी के लिए। तो एमिरेट्स आईडी अब जो आएगा वो भी 3-4 दिन का प्रोसेस है, उसमें भी रश का एक ऑप्शन है, अलग से पे करके आप जल्दी भी मंगवा सकते हैं, या नॉर्मल 3-4 दिन, वर्किंग डेज की बात कर रही हूँ, 3-4 दिन आपको लगेंगे आपका एमिरेट्स आईडी आने के लिए। एमिरेट्स आईडी बाय पोस्ट भी आ जाता है या फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाके भी लेना पड़ता है। इस बीच आप टाइपिंग सेंटर में 1-2 बार कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा आ गया कि नहीं आ गया, वो लोग पूरा आपको बता देंगे। इवन दो पोस्ट ऑफिस किस लोकेशन में है आपको लोग लोकेशन मैप भी दे देते हैं कि आप इस यहाँ पे जाके कलेक्ट कीजिए। तो वहाँ पे जाके जैसे मेरा आया था, मुझे कलेक्ट करना पड़ा था वहाँ पे जाके, कई लोगों का बाय पोस्ट भी आ जाता है, मुझे नहीं पता क्या अलग अलग केसेस हैं। तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, तो पासपोर्ट दिखाने से वो लोग आपको एमिरेट्स आईडी दे देते हैं। उसके बाद एमिरेट्स आईडी देने के बाद वीज़ा स्टैम्पिंग आप लोगों का होता है। उसके बाद एक और चीज़ अभी ऐड हुआ है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का आपको लेना मैंडेटरी हो गया है अभी। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं, वो लोग ही आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा होता है। तो मिनिमम जो होता है वो 900 दिरहम का होता है यहाँ पे 1 साल का, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एमिरेट्स आईडी आ गया आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन आ गया, इसके बाद वो लोग अप्लाई करते हैं आपके वीज़ा के लिए। तो इसके बाद आएगा आपका वीज़ा, हर चीज़ क्लियर हो गया, वीज़ा के लिए अप्लाई हो गया। उसके बाद जो वीज़ा है उसके स्टैम्पिंग के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट में वो लोग स्टैम्प करके देते हैं। उसके लिए क्या होता है, कुरियर बॉय आता है कुरियर पिकअप के लिए। तो वो ये है, दुबई में भी है, शारजा, हर एमिरेट्स में है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आपके घर पे ही वो आ जाएगा, आपको अपना पासपोर्ट उनको देना है, कुछ साइन वगैरह करना रहता है, पासपोर्ट आपको उनको दे देना है। 2-3 दिन में फिर से वो लोग वीज़ा स्टैम्पिंग करके वो लोग फिर से आपका पासपोर्ट आपको आपके घर पे ही लाके दे देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपके पासपोर्ट में वो वीज़ा स्टैम्प हो गया यानी कि रेसिडेंस वीज़ा आपको मिल गया, एमिरेट्स आईडी एक प्रूफ हो गया, और पासपोर्ट में जो आपका वीज़ा लग गया वो हो गया आपका रेसिडेंस वीज़ा। ये सब फैमिली के आने के बाद का प्रोसेस है। आपको क्या वीज़ा निकलवा के उनको देना है,
बट जो वीजा स्टैंपिंग, एमिरेट्स आईडी और मेडिकल वाला केस है, वो जब आपकी फैमिली आ जाएगी उसके बाद आपको ये सब प्रोसेस करना है। उसके बाद बात करते हैं फीस की। तो फीस क्या है, तो तीन साल का, जैसे एक साल का भी होता है, तीन साल का होता है, दस साल का होता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैं अप्रोक्स मीडियम, जो मतलब हर कोई तीन साल का ही करता है, क्योंकि दस साल यहाँ पे कोई जॉब गारंटी नहीं होती है दस साल रहने की। तो प्राइवेट जॉब जिन लोग करते हैं वो लोग तीन साल का, एक साल का काफी महंगा पड़ जाता है, इसलिए तीन साल का ही बेटर होता है, रिजनेबल होता है, इसलिए तीन साल का ही मैक्सिमम लोग लेते हैं। तो तीन साल का जो हो गया वो मेडिकल करने में 322.50 दिरहम्स लगते हैं, यानी कि 322 रुपए। उसके बाद एमिरेट्स आईडी का लगभग लगभग 405 से 406 दिरहम तीन साल का। उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कराना है एक साल का, वो हो गया 900 दिरहम। और जो वीजा फी हो गया वो हो गया 560 दिरहम। इसके बाद टाइपिंग सेंटर का कुछ फी होता है, वो भी आपको इसमें इंक्लूड कर लेना है। तो ये टोटल खर्चा आएगा आपको लगभग लगभग 2 से 2,500 दिरहम के बीच में खर्चा आता है एक एक मेंबर का निकलवाने के लिए। इसके बाद अगर बच्चे हैं, आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग पूरा फीस रहता है। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कैसे अपने फैमिली को दुबई लेके आए। और भी कोई क्वेश्चन हो इसमें, एक चीज़ और मैं बता दूं कि वीज़ा निकलने के बाद फैमिली आती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, वीज़ा स्टैंपिंग उसके बाद होता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।